थकान, कमजोरी और सुस्ती से आजकल हर कोई परेशान है। सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि कम उम्र के लोगों में भी ये प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। अब लोगों के शरीर में पहले वाली ताकत नहीं है। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग थोड़ा पैदल चलकर या छोटा मोटा काम करके थकावट फील करने लगते हैं, और इन सब का कारण हम सभी को पता है। आजकल की लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से हमारे शरीर खोखली होती जा रही है, और सही जानकारी के अभाव में हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। हम सबको इतना तो पता है कि मल्टीविटामिन्स और हेल्थ सप्लीमेंट की हेल्प से हमारे शरीर में हो रही न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करके थकान और कमजोरी और सुस्ती को दूर किया जा सकता है। लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि मार्केट में हजारों प्रकार के मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। कुछ एलोपैथी हैं तो कुछ आयुर्वेदिक हैं, कुछ होम्योपैथी हैं तो कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, और सब अपना एडवर्टीजमेंट ऐसे करते हैं जैसे उनसे अच्छा प्रोडक्ट तो कुछ है ही नहीं है। और खरीदने के बाद पता चलता है कि हमारा पैसा बर्बाद चला गया क्योंकि उससे कोई फायदा ही नहीं हुआ। लेकिन जरूरी नहीं है कि दवाई अपना असर नहीं दिखा पा रही है तो प्रोडक्ट खराब है। हाँ, हो सकता है कि आप उसे गलत समय और गलत तरीके से ले रहे हो, इस वजह से भी दवाई असर नहीं दिखा पाती। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी दवाई लेने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लें, यूज करने का सही समय क्या है, उसके तरीका क्या है, ये सब समझ लें। आज मैं आपको एक ऐसे ही मल्टीविटामिन कैप्सूल के बारे में सब कुछ बता रहा हूँ जो बहुत पॉपुलर है। मैं बताऊंगा कि ये कितनी असरदार है, इसे किस किस प्रॉब्लम में दिया जा सकता है, ये काम कैसे करती है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, इसे लेने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, और सबसे जरूरी इसे लेने का सही तरीका क्या है जिससे आपको बिना किसी नुकसान के पूरा फायदा हो। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब आप अपनी प्रॉब्लम्स हमसे डायरेक्ट हमारी वेबसाइट www.infohub4.com पर शेयर कर सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन जरूर देंगे, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए InfoHub चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें। तो ये है विवॉन कैप्सूल, जो जुवेंटस हेल्थ केयर लिमिटेड का ब्रांड है। इसके एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल्स होते हैं जिसकी MRP ₹132 है। ये इजीली आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगी, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल के साथ साथ एक एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल भी है। इसके हर एक कैप्सूल के अंदर पायरीडॉक्सिन, जिसे विटामिन B6 भी कहते हैं, नियासिनामाइड मतलब विटामिन B3, साइनोकोबालमिन, फॉलिक एसिड, बायोटिन, बीटा कैरोटीन, ये वो चीज़ है जो बॉडी में जाते ही विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जिंक, सोडियम, कॉपर, क्रोमियम, मैगनीज और सोडियम अवेलेबल है। इसमें वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स अवेलेबल हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके बॉडी से बाहर फेंक देता है। विवॉन एक डाइटरी सप्लीमेंट है जो खाने की कमी को पूरा करता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसी पे आप डिपेंडेंट हो जाएं। इस कैप्सूल के साथ साथ आपको अपने खाने पर भी ध्यान देना है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, नर्वस सिस्टम के लिए ये एक न्यूट्रिएंट है, ब्लड फ्लो को अच्छा करता है, हमारे हार्ट के लिए हेल्पफुल है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, बायोटिन होने की वजह से ये हमारे बाल और नाखून के लिए भी फायदेमंद है, और आँखों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। मतलब आपके ओवरऑल हेल्थ का बहुत ख्याल रखता है। बस शर्त ये है कि इसे खाना सही तरीके से है। इसका डोज क्या है ये तो हम जानेंगे ही, उससे पहले जानते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले, इसे खाने से पहले या बाद अल्कोहल का सेवन ना करें, क्योंकि अल्कोहल की प्रेजेंस में दवाई काम ठीक से नहीं करेगी। प्रेगनेंसी में डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बहुत सी दवाइयाँ चल रही होती हैं। इसे हमेशा ठंडी जगह पर स्टोर करें और डायरेक्ट धूप लगने से बचाएं। जितना डोज रिकमेंड किया जाए उतना ही लें, नहीं तो ओवरडोज हो सकता है, और इस कैप्सूल को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अब जानते हैं कि इसका डोज क्या है, इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आप इसका रोज़ एक कैप्सूल दिन में एक बार लें,
पानी, जूस, दही किसी के साथ भी ले सकते हैं। कम से कम आप इसे एक महीने तक जरूर खाएं। इसका रिजल्ट आपको 10 दिनों में दिखने लग जाएगा।